हेलो दोस्तों, वेलकम इन जे कोड। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स के टाइप्स के बारे में, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस। इससे पहले हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेटर, तो यूनिटी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में देखा, उसके एग्जाम्पल को पढ़ा, ठीक है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन, हमारे पास पांच तरीके के ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग एक एक करके इन सबको देखेंगे और उसके एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। इन सबको मैं एक बार फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ, जैसे कि आप, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको कर दिया कमेंट आउट, ठीक है। फिर एक कमेंट के बारे में भी हम लोगों ने अगले वीडियो में पढ़ा, पिछली वीडियो में पढ़ा था, अगर आप में से किसी को याद हो, अगर ना देखा हो तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का क्या मतलब? अरिथमेटिक ऑपरेटर एक सिंपल तरीके का ऑपरेटर, जैसे कि हम लोग नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स एंड डिवीजन, मॉडुलस। तो इट इज यूज टू परफॉर्म, इट इज यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं हमारे ये ऑपरेटर्स, जैसे कि प्लस, ठीक है, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर इसी में आ जाता है। उसके बाद हमारा मॉडुलस को भी हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, देखते हैं क्या होता है, हम एग्जांपल के बाद इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा होता है क्या, प्लस ऑपरेटर, यानी कि ए प्लस बी, ये हो गया, यानी कि द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमारा सम आएगा वो होगा ए प्लस बी का रिजल्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया 4 + 5, ये क्या हो गया, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9। इसी तरीके से a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी में 10 माइनस 5 कर देंगे, इज इक्वल टू 5। तो इसी तरीके से होते हैं हमारे, जैसे कि हम लोग अब एग्जांपल से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार हम फिर से कोड लिख लेते हैं, एज इंक्लूड, ठीक है, मैं कोड इस कोड ब्लॉक का यूज़ कर रहा हूँ, आप सब भी कोड ब्लॉक का यूज़ कर, stdio.h, ठीक है। देखिए सजेशन कितने अच्छे तरीके से आ रहा है इसमें, एज इंक्लूड conio.h, ठीक है, वाइड मेन, ठीक, वाइड मेन यहाँ पे लिख रही है। उसके बाद हम अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। int एक वेरिएबल लेते हैं, b, a में हम लोग 10 असाइन करते हैं, उसके बाद b में यहाँ पे असाइन कर देता हूँ 5, ठीक है, b इज इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं c नाम का, ठीक है, ताकि आसानी हो, एक वेरिएबल ले लेते हैं c नाम का। उसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेशन करते हैं, यानी एडिशन का ऑपरेशन करते हैं, a प्लस बी, ठीक है, इसको प्रिंट है, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द सम इज उस परसेंट डी, यानी कि इंटीजर वैल्यू है तो उसका स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंट डी होगा। यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हैं द सम इज 15, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया एडिशन के लिए। अब हम देखते हैं इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन के लिए, अगर देखते हैं माइनस का यूज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता,
माइनस यानी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ऑपरेटर का यूज, ऑपरेटर को चेंज कर देना। देखिए द सम इज 5, ठीक है। यहाँ पे हम मैसेज को भी चेंज कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे द सम आ रहा था, द रिजल्ट लिख सकते थे, द रिजल्ट इज, जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 5 होगा, द रिजल्ट इज 5। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लीकेशन करना चाहते तो यहाँ पे ये हो जाता 10 × 15 = 50 हो जाता हमारा। और यहाँ पे द रिजल्ट इज, यानी कि जो उसका उसकी वैल्यू आती मल्टी उसका प्रोडक्ट करने के बाद उसको हम लोग देखते हैं, वो आ जाता 50, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हमारा अगला जो ऑपरेटर है उसका, उसको हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर एक ये भी बहुत नॉर्मली यूज किया जाने वाला ऑपरेटर है, इज यूज टू असाइन द वैल्यू, ठीक है। असाइन द वैल्यू लाइक a इज इक्व टू 20, b इज इक्व टू 50, ऐसे वैल्यू टू वेरिएबल, किसी वेरिएबल में उस वैल्यू को असाइन करना, ठीक है, वेरिएबल, ठीक। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कितने टाइप, कितने ऑपरेटर हो सकते हैं इसमें। हम लोग एग्जाम्पल ऑपरेटर को एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। int i is equals to 10, ठीक है। तो ये एक तरीके का असाइनमेंट, यानी कि जो 10 वैल्यू ऑफ 10 है वो i वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर हमारे पास होता है असाइनमेंट के लिए, ठीक है। प्लस एन इक्वल्स टू होता है, ठीक। माइनस एन इक्वल टू होता है, ठीक है। माइनस एंड इसी तरीके से होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब दोनों प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, उसके बाद उसको किसी थर्ड वेरिएबल में असाइन करना, ठीक है। ऐसे डिवाइड करके हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने पहले बताया आपको int i is equals to 10, यानी 10 की वैल्यू i में स्टोर हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, कि द वैल्यू जो हमारी हो, यानी कि 10, और यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल को हटा दे, अगर थर्ड वेरिएबल को हटा के अगर इसका यूज करना चाहे तो a प्लस इक्वल टू b, इतना कर देने से देखिए द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b विल बी एड एंड देन द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू द a, ठीक है। तो ये हमारा होना चाहिए, यानी कि 10 प्लस 5 ये होगा, और जो रिजल्ट होगा वो अगेन a में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी वर्किंग ये होगी। यहाँ पे हम